ये है पश्चिमोत्तानासन अभ्यास। इसमें दोनों अंगूठा को सटाइए बाबू, सटा लीजिए। हाँ, शुरू में यहाँ पकड़िए तो अंगूठे को, जरा अंगूठे को पकड़िए दोनों उंगलियों से। हाँ, और सांस को छोड़ते हुए दोनों केहनी को साइड से जमीन की तरफ ले जाइए, जितना संभव है ले जाइए। और ठीक है, बहुत सुंदर। और माथे को यानी ललाट को घुटना पर टच कराते हैं, इसमें 20 बार करेंगे गिन करके। यदि वहाँ नहीं हो तो वहाँ मत पकड़िए अभी, और नीचे ही पकड़िए, पिंडली के पास पकड़ लीजिए। हाँ, वहीं पर। और वही क्रिया को दोहराइए, दोनों अंगूठा को टच करिए, ऊपर सटाइए दोनों अंगूठा को। हाँ, ये सीधा रखना पड़ेगा, वहाँ फंसा लीजिए, वो अच्छी बात है। अब इसको 20 बार करिए गिन करके। ये है पश्चिमोत्तानासन। ये फैट को कम करेगा और मेरुदंड को लचीला बनाएगा और पैरों के नसों को खींचता हुआ यह लंबाई को बढ़ाने वाला दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ और सुप्रसिद्ध आसन है, जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। सटाइए नीचे, बहुत सुंदर अभ्यास। इस अभ्यास को प्रतिदिन सभी को करना चाहिए। सावधानी केवल यही बरतनी है, यदि कमर में दर्द हो या कोई मेरुदंड में कोई समस्या हो तो इस अभ्यास को नहीं करते हैं, या बहुत ही निर्देशन में करते हैं। तो आइए, आप सबको इन अभ्यासों को करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों पैरों को खोल लीजिए अगले अभ्यास में, और दोनों हाथ को इंटरलॉक करके ऊपर उठाएंगे और साइड में उसमें गिरा, और पैर खोलिए। हाँ, सामने से जाएंगे, पहले सामने सामने यानी ललाट को घुटना में ले जाएंगे। हाँ, वहीं पर पैर पर, ठीक है, करे बाबू। पैर खोलिए पूरा, दोनों हाथ को ऊपर उठा लीजिए, इंटरलॉक करिए। हाँ, और पैर सीधा करिए अपना, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, ऊपर उठेंगे तो सीधा उठ जाएंगे, झुकेंगे तो टच करेंगे उसमें। एक, दो, करिए 20 बार। 3, 4, करिए 5, 6। आप लोग अनुलोम विलोम ध्यान पूर्वक करेंगे। अनुलोम विलोम करते समय अपने मन मस्तिष्क में उगते हुए भगवान सूर्य का दर्शन करने का प्रयास करिए। अब ये जब हो जाए तो साइड से करेंगे, अब ऐसे करके एक बार दिखाई। हाँ, अब पैर के बाहर गिरा देंगे हाथ को, अभी पैर पे जा रहा था तो पैर के साइड में 6 इंच की दूरी पर साइड में रखेंगे। यदि ज़मीन में नहीं टच हो तो हवा में ही रखेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, ले जाइए। हाँ, बहुत सुंदर। 1, 2, 10-10 बार कर। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रोक दीजिए इस अभ्यास को।